आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे परमेश्वर, आज भी हम सब आपके उपस्थिति पर इकट्ठा हुए हैं। आप जो भी हमसे बातें करना चाहते हैं हमसे कहिए। हमारे हृदय और मन खोलकर आपके बातें सुनकर आपके ही राह पर हमेशा चलने के लिए आप हमें मदद कीजिए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमेन। यिर्मयाह 29वां अध्याय। उसी वर्ष यिर्मयाह नबी ने इस आशय की पत्री उन पुरनियों और भविष्यद्वक्ताओं और साधारण लोगों के पास भेजी जो बंदियों में से बचे थे, जिनको नबूकदनेस्सर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया था। यह पत्री उस समय भेजी गई जब यकोनिया राजा और राजमाता खोजे यहूदा और यरूशलेम के हाकिम लोहार और अन्य कारीगर यरूशलेम से चले गए थे। यह पत्री शापन के पुत्र इलासा और हिलिकिया के पुत्र गमरियो के हाथ भेजी गई, जिन्हें यहूदा के राजा सिदकिया ने बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के पास बेबीलोन को भेजा। उसमें लिखा था, जितने लोगों को मैंने यरूशलेम से बंदी करके बेबीलोन में पहुंचवा दिया है, उन सबों से इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, विवाह करके बेटे बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो कि वे भी बेटे बेटियां जन्माएं और वहां घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के बेच दिया है उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुम से यो कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता और बावी कहने वाले तुम्हारे बीच में है वे तुमको बहकाने न पाए और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं उनकी और कान मत धरो, क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझ यहोवा की यह वाणी है। यहोवा यह कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बदुआई से लौटा ले आऊंगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी है। तुम कहते तो हो कि यहोवा ने हमारे लिए बेबीलोन में भविष्यद्वक्ता प्रकट किए हैं, परंतु जो राजा दाऊद की गद्दी पर विराजमान है और जो प्रजा इस नगर में रहती है, अर्थात तुम्हारे जो भाई तुम्हारे संग बदुआई में नहीं गए, उन सबों के विषय सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सुनो, मैं उनके बीच तलवार चलाऊंगा और महंगी करूंगा और मरी फैलाऊंगा और उन्हें ऐसे गिनौने अंजीरों के समान करूंगा जो निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते। मैं तलवार महंगी और मरी लिए हुए उनका पीछा करूंगा और ऐसा करूंगा कि वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंगे और उन सब जातियों में जिनके बीच मैं उन्हें जबरन कर दूंगा उनकी ऐसी दशा करूंगा कि लोग उन्हें देखकर चकित होंगे और ताली बजाएंगे और उनका अपमान करेंगे और उनकी उपमा देकर शाप दिया करेंगे,
क्योंकि जो वचन मैंने अपने दास भविष्यद्वक्तों के द्वारा उनके पास बड़ा यत्न करके कहला भेजे हैं, उनको उन्होंने नहीं सुना। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए हे सारे बंदियों जिन्हें मैंने यरूशलेम से बेबीलोन को भेजा है, तुम उसका यह वचन सुनो। कोलाया का पुत्र अहाब और मासेया का पुत्र सिदकिया, जो मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं, उनके विषय इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, सुनो, मैं उनको बेबीलोन के राजा नबुकदनेस्सर के हाथ में कर दूंगा और वह उनको तुम्हारे सामने मार डालेगा। सब यहूदी बंदी जो बेबीलोन में रहते हैं उनकी उपमा देकर यह शाप दिया करेंगे, यहोवा तुझे सिदकिया और आहब के समान करे, जिन्हें बेबीलोन के राजा ने आग में भून डाला, क्योंकि उन्होंने इसराइलियों में मूर्खता के काम किए, अर्थात अपने पड़ोसियों की स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया और बिना मेरी आज्ञा पाए मेरे नाम से झूठे वचन कहे। इसका जानने वाला और गवाह मैं आप ही हूँ, यहोवा की यही वाणी है। नहलामी शमाया से तू यह कह, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने यो कहा है, इसलिए कि तूने यरूशलेम के सब रहने वालों और सब याजकों को और मासेया के पुत्र सपन्या याजक को अपने ही नाम की इस आशय की पत्री भेजी कि यहोवा ने यहोयादा याजक के स्थान पर तुझे याजक ठहरा दिया, ताकि तू यहोवा के भवन में रखवाल होकर जितने वहां पागलपन करते और भविष्यद्वक्ता बन बैठे हैं, उन्हें काट में टोके और उनके गले में लोहे के पट्टे डाले। इसलिए यिर्मयाह अनातोती जो तुम्हारा भविष्यद्वक्ता बन बैठा है, उसको तूने क्यों नहीं गुदगा? उसने तो हम लोगों के पास बेबीलोन में यह कहला भेजा है कि बदुआई तो बहुत काल तक रहेगी, इसलिए घर बनाकर उनमें रहो और बारियान लगाकर उनके फल खाओ। यह पत्री सपन्या याजक ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को पढ़ सुनाई। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, सब बंदियों के पास यह कहला भेज, यहोवा नहलामी शमाया के विषय यो कहता है, शमाया ने मेरे बिना भेजे तुम से जो भविष्यवाणी की और तुमको झूठ पर भरोसा दिलाया है, इसलिए यहोवा यो कहता है, सुनो, मैं उस नहमी शमाया और उसके वंश को दंड देने पर हूँ। उसके घर में से कोई इन प्रजाओं में न रह जाएगा। जो भलाई में अपनी प्रजा की करने वाला हूँ, उसको वह देखने न पाएगा, क्योंकि उसने यहोवा से फिर जाने की बातें कही है। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। यहेजकेल 8वां अध्याय। फिर छठवें वर्ष के छठवें महीने के पांचवें दिन को, जब मैं अपने घर में बैठा था और यहूदियों के पुरनिय मेरे सामने बैठे थे, तब प्रभु यहोवा की शक्ति वही मुझ पर प्रकट हुई। तब मैंने देखा कि आग का सा एक रूप दिखाई देता है, उसकी कमर से नीचे की ओर आग है और उसकी कमर से ऊपर की ओर जलकाए हुए पीतल की जलक सी कुछ है। उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े। तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया, जिसका मुंह उत्तर की ओर है और जिसमें उस जलन उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान था, जिसके कारण द्वेष उपजता है। फिर वहां इज़राइल के परमेश्वर का तेज वैसी ही था जैसे मैंने मैदान में देखा था। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देख। अतः मैंने अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देखा कि वेदी के फाटक के उत्तर की ओर उसके प्रवेश स्थान ही में वह ढा उपजाने वाली प्रतिमा है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? इज़राइल का घराना क्या ही बड़े घृणित काम यहाँ करता है, ताकि मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊं? परंतु तू इनसे भी अधिक घृणित काम देखेगा।
तब वह मुझे आंगन के द्वार पर ले गया और मैंने देखा कि दीवार में एक छेद है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, दीवार को फोड़। इसलिए मैंने दीवार को फोड़ कर क्या देखा कि एक द्वार है। उसने मुझसे कहा, भीतर जाकर देख कि ये लोग यहाँ कैसे कैसे और अति घृणित काम कर रहे हैं। अतः मैंने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की दीवार पर जाति जाति के रंगने वाले जंतुओं और घृणित पशुओं और इज़राइल के घराने की सब मूर्तों के चित्र खींचे हुए हैं। इज़राइल के घराने के पूर्णियों में से 70 पुरुष, जिनके बीच में शापन का पुत्र याजन्या भी है, वे उन चित्रों के सामने खड़े हैं और हर एक पुरुष अपने हाथ में धूपदान लिए हुए हैं और धूप दे धुए के बादल की सुगंध उठ रही है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा है कि इज़राइल के घराने के पुरनिये अपनी अपनी नकाशी वाली कोठरियों के भीतर अर्थात अंधियारे में क्या कर रहे हैं? वे कहते हैं कि यहोवा हमको नहीं देखता, यहोवा ने देश त्याग दिया है। फिर उसने मुझसे कहा, तू इनसे और भी अति घृणित काम देखेगा जो वे करते हैं। तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वहां स्त्रियां बैठी हुई तम्मूज के लिए रो रही थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? फिर इनसे भी बड़े घृणित काम तू देखेगा। तब वह मुझे यहोवा के भवन के भीतरी आंगन में ले गया और वहां यहोवा के भवन के द्वार के पास ओसारे और वेदी के बीच कोई 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर और अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए थे, और वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा? क्या यहूदा के घराने के लिए घृणित कामों का करना जो वे यहाँ करते हैं छोटी बात है? उन्होंने अपने देश को उपद्रव से भर दिया और फिर यहाँ आकर मुझे रिस दिलाते हैं, वरन वे डाली को अपनी नाक के आगे लिए रहते हैं। इसलिए मैं भी जल जलाहट के साथ काम करूँगा, न मैं दया करूँगा और न मैं कोमलता करूँगा, और चाहे वे मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकारे तो भी मैं उनकी बात न सुनूंगा। आमीन। यहेजकेल 9वां अध्याय। फिर उसने मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, नगर के अधिकारियों को अपने अपने हाथ में नाश करने का हथियार लिए हुए निकट लाओ। इस पर चह पुरुष उत्तर की ओर ऊपरी फाटक के मार्ग से अपने अपने हाथ में गात करने का हथियार लिए हुए आए, और उनके बीच सन का वस्त्र पहने कमर में लिखने की दवात बांधे हुए एक और पुरुष था, और वे सब भवन के भीतर जाकर पीतल की वेदी के पास खड़े हुए। तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से, जिनके ऊपर वह राह करता था, भवन की देवडी पर उठ आया था, और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को जो कमर में दवात बांधे हुए था पुकारा, और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना। बूढ़े, युवा, कुवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको मारकर नष्ट करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो उसके निकट न जाना, मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। अतः उन्होंने उन पुरनियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। फिर उसने उनसे कहा, भवन को अशुद्ध करो और आंगनों को क्षवों से भर दो, चलो बाहर निकलो। तब वे निकलकर नगर में मारने लगे। जब वे मार रहे थे और मैं अकेला रह गया,
तब मैं मुंह के बल गिरा और चिल्लाकर कहा, हाय प्रभु यहोवा, क्या तू अपनी जलजलाहट यरूशलेम पर भड़काकर इज़राइल के सब बचे हुए को भी नष्ट करेगा? तब उसने मुझसे कहा, इज़राइल और यहूदा के घरानों का अधर्म अत्यंत ही अधिक है, यहाँ तक कि देश हत्या से और नगर अन्याय से भर गया है, क्योंकि वे कहते हैं, यहोवा ने पृथ्वी को त्याग दिया और यहोवा कुछ नहीं देखता, इसलिए उन पर दया न होगी, न मैं कोमलता करूंगा, वरन उनकी चाल उन्हीं के सिर लौटा दूंगा। तब मैंने क्या देखा कि जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए और कमर में दवात बांधे थे, उसने यह कहकर समाचार दिया, जैसे तूने आज्ञा दी मैंने वैसे ही किया है। आमेन। दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी टट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बापदादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूब कर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, यह बात तुम से छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन हजार वर्ष के बराबर है और हजार वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता हूँ और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाकट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम तक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, और जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी ही जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातें की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमेन। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे परमेश्वर, जैसे हमने आपके वचन में देखा, अंतिम दिनों में
टट्टा उड़ाने वाले, हंसी मजाक उड़ाने वाले आएंगे और हमें अपने भरोसा से हटाने देखेंगे, पर हम हमेशा आपकी ओर देखते रहे और आप ही जिंदा खुदावन के ऊपर भरोसा रख कर हम थान के रहने के लिए हमें मदद कीजिए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करें।